हजार वर्ल्ड कॉलेज के आंदोलित छात्र छात्राओं ने उनका पूरा मामला विस में उठाने पर हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल व कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नई सरकार से उम्मीद है कि सरकार उनके हक में जल्द ही कोई निर्णय लेगी। आंदोलित छात्रों ने ये भी कहा कि विस में विपक्ष द्वारा उनके मसले पर सवाल उठाए जाने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह से इस मामले में जवाब दिया है उससे ऐसा लगता है कि उन्हें दूसरे कॉलेज में जल्द ही समायोजित कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नई सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन बेहतर यही हो कि हरियाणा सरकार समय रहते उनकी समस्या का निदान कराए। सर, जो यहाँ पे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जो यहाँ पे गीता भुक्कल जी वगैरह, कुलदीप वत्स जी ने भी हमारा विधानसभा में मुद्दा उठाया था और इन्होंने अपनी जो चीज़ थी वो अच्छे से प्रेजेंट की कि हमारी जो दिक्कत है उन्होंने आगे रखी है। फिर उस पर खट्टर जी ने कहा कि आगे MCI को हम भेज चुके हैं, उनका हमें जवाब आने का इंतज़ार है। तो उनसे यही एक तो रिक्वेस्ट है कि जो भी हो जल्दी कीजिए, क्योंकि इतना टाइम बीत चुका है, जिस काम को इतना जल्दी हो जाना चाहिए था उसमें भी इतना डिले होता जा रहा है। दुष्यंत जी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी हमें कई बार आश्वासन दिया है कि आप लोगों का कार्रवाई चल रही है और जल्द से जल्द किया जाएगा। तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और बच्चे हमारी पढ़ाई जो है उसका नुकसान दिन ब दिन और ज़्यादा होता जा रहा है। एग्ज़ाम का टाइम हमारा आ चुका है और अब तक कोई भी रिजल्ट आया नहीं है, तो उससे अफसोस की भी बात है ये सरकार के लिए और हमारे प्रति। देखिए, इतनी रिक्वेस्ट कर चुके हैं तो हाथ जोड़ कर देंगे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कुछ टिप्स दिए थे आप लोगों के बारे में, क्या उससे संतुष्ट हो या नहीं? संतुष्ट तो है, जिन्होंने कहा कि MCI को उन्होंने आगे भेजा है, लेकिन वही जब तक हमारे पास रिटर्न में कुछ नहीं आएगा तो हम वर्बल बातों पर यकीन कब तक करें, क्योंकि पहले भी हो चुका है। कॉलेज की बात है सर, हमें प्राइवेट गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में जाना है जहाँ पे हमारी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके और हमें डिग्री वैलिड मिले। प्राइवेट में जाए गवर्नमेंट जाए इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में जाना है। दुष्यंत चौटाला जी भी यहाँ पे आए थे, फिर उनसे कोई उम्मीद है? जी, उनसे उम्मीद है, उनसे हमने 2-3 बार मुलाकात की है, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि जो मेरी तरफ से होगा मैं करूँगा, तो उनसे उम्मीद है हमें खूब है, देखते हैं कि आगे क्या रहता है। अभी किस तरह का धरना कर रहे हो आप, जैसे कोर्ट केस के लिए भी चंदा इकट्ठा कर रहे हो? जी, मैं अभी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से जो हमारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पैसों की भी दिक्कत आ रही है, एक तो कॉलेज में इतनी फीस हम जमा करवा चुके हैं, उसके बावजूद भी दिन बे दिन खर्चा हमारा बढ़ता ही जा रहा है, केस भी हमारे पिछले 1.5 साल से चल रहे हैं, वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही, तो पैसे तो वहाँ पर भी जा ही रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे दान पेटी भी रखी है डोनेशन बॉक्स की, यहाँ पे जो भी अपनी जितना हो सके वो चंदा दें, और अभी हम बस इंतज़ार में है कि कब हमारे पास रिटर्न ऑर्डर आएंगे और फिर हम अपनी शिफ्टिंग हमारी हो और हम नए कॉलेज में जाके अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकें। कारण की कॉलेज प्रबंधन की अनदेखी के चलते उनका काफी समय खराब हो चुका है, उनके एग्जाम नजदीक है, यदि समय रहते उन्हें दूसरे कॉलेज में नहीं तब्दील किया गया तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। हम वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज के धरने के 2 महीने को बीते 6 दिन हो गए हैं। बीते दिन विधानसभा सदन में हमारी समस्याओं का मामला उठा था, मुख्यमंत्री जी ने हमको फैसला बताया था कि हमको शिफ्टिंग करेंगे, 2 महीने उपरांत यह फैसला पर हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, पर हम धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी लिखित ऑर्डर नहीं आ जाते। क्षेत्र के विधायकों ने हमारी बहुत मदद की और हमारी मांगों को मुद्दे को उठाया विधानसभा सदन में, हमको हमारी शिफ्टिंग का इंतजार है, जब तक फैसला नहीं आ जाता हम यही है धरना स्थल पर ही है। बेहतर हो कि सरकार इस मामले का समाधान जल्द से जल्द कराए। छात्रों का ये भी कहना था कि उन्हें अभी तक नेताओं की घोषणा व आश्वासन ही मिले हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए जब तक उन्हें किन्हीं अन्य कॉलेज में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा।